बच्चों को खाना पहुंचाने के लिए सरकार जितनी कोशिश कर ले, लेकिन उनकी सारी कोशिश यमुनानगर के खिजराबाद कस्बे के आंगनवाड़ी में फेल होती नजर आ रही है। आंगनवाड़ी में बच्चों को दिया जाने वाला खाना उन तक पहुंच ही नहीं पा रहा है। जिन बच्चों को सरकार खाना देने की पूरी कोशिश कर रही है, उन्हीं बच्चों को आंगनवाड़ियों में खाना नहीं मिल रहा है। यमुनानगर के खिजराबाद कस्बे की हालत को देखकर ऐसा नहीं लगता यहाँ बच्चों को खाना नसीब होता होगा। एक नजर इस चावल पर डालिए, बनाना तो दूर, आप इसे जानवर को भी नहीं देंगे। इस बर्तन में लगे मकड़ी के जाले को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इसमें रोज कितना खाना बनता होगा या नहीं। चूल्हा देखकर तो लगता ही नहीं कि इसे खाना बनाने के लिए इस्तेमाल भी किया जाता होगा। हालांकि आंगनवाड़ी वर्कर तो कहती हैं कि वो बच्चों को खाना देती हैं, लेकिन जुबान का क्या, कुछ भी कह दो। कहाँ वो जी बट गया था जी, थोड़ा सा तो बचा होगा ना जी, आज सारा बट गया। अभी तो टाइम इतना हुआ भी नहीं है, सैंपल नहीं रखा जी। एक नजर पानी की टंकी पर भी डालते हैं, गनीमत है थोड़ा पानी दिख गया, लेकिन कितना साफ है ये तो आप भी देख रहे हैं। साफ सफाई का मामला आला अधिकारियों के पास पहुंचा तो अधिकारी अब जांच की बात कह रहे हैं। पास एक इन्फॉर्मेशन आई थी कि कुछ कमियां हैं, तो मैंने अपनी सुपरवाइजर को वहां पे भेजा देखने के लिए और उन्होंने भी मुझे बताया कि कुछ कमियां हैं, तो हमारी वहां की जो आंगनवाड़ी वर्कर है सरोज, उसको सोनिया जी को दे दिए, हिदायत दे दिए कि उससे वो काम ठीक करा लेगी। आंगनवाड़ियों के लिए खाना किस तरह तैयार होता है तस्वीरें साफ बयां कर रही हैं। ऐसे में सवाल ये है कि आखिर मासूमों की सेहत के साथ खिलवाड़ क्यों। तिलक भारद्वाज, फोकस हरियाणा, यमुनानगर।